पूरी पार्लियामेंट, विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये 70 सालों से ये मामला अटका हुआ था। 1949 के अंदर धारा 370 को जोड़ा गया था, लेकिन ये धारा 370 जो थी तब से लेकर के आज तक अस्तित्व में जो रही है वो सिर्फ टेम्प्रेरी तौर पर है, और इसको हटाने के लिए समय समय पर आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो कमिटमेंट भारत सरकार, मौजूदा भारत सरकार के अंदर जो पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, उसने पब्लिक के सामने, पब्लिक से जो कमिटमेंट किया था, वो उसको आज के ऐतिहासिक दिन के अंदर परिवर्तित करके जो बधाई हासिल की है और उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है, वो बहुत बहुत हम सब उसका वेलकम करते हैं और बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कश्मीर का मसला एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। भारत का अभिन्न अंग पहले भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। जिस तरह से दूसरे राज्यों में केंद्र शासित रहे हैं, इसी तरह से उसको देकर जम्मू एंड कश्मीर को विशेष दर्जा देकर के जो केंद्र शासित किया गया है वो भी एक अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। लद्दाख से उससे अलग करके जो किया गया है वो भी एक ऐतिहासिक फैसला है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों राज्यों के अंदर जो अलग अलग राज्य किए गए हैं उसके रहने वालों के लिए तरक्की के रास्ते बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। उन सब की मॉरल ड्यूटी ये बनती है कि हम भारत के अंदर जितने एक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं और जितनी सुविधाएँ अदर राज्यों के निवासियों को जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं, उस सुविधाओं का हम अपने राज्य के अंदर ख़ास तौर से विशेषकर जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों के लिए, लद्दाख निवासियों के लिए वो उपयोग करें और देश की मुख्य धारा से जुड़ें और तरक्की के रास्ते पर वो भी देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के आएँ। भारत की पूरी जनता आज भारत सरकार के साथ है। वो ये नहीं समझे कि हम इस एक्ट को या इस कानून को पारित करने के बाद अलग थलग पड़ गए हैं, बिल्कुल नहीं। हर पूरा देश और विशेषकर भारत के बाहर भी जो दूसरे भारतवासी बसे हुए हैं वो भी इस उपलब्धि को जो है एक अद्वितीय, एक ऐतिहासिक फैसला मानते हैं। इसके अंदर दो बातें सामने आती हैं। हम जिस तरह से इस कश्मीर के मसले को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे हैं और जो हमारे अन्य इशू दूसरे अदर राज्यों के अंदर भी हैं उसको भी हमें मद्देनज़र रखना है और सरकार को चाहिए कि उसको केंद्रित करके उसके ऊपर करें। 20 फरवरी 2012 का जो राज्य के राज्यसभा और लोकसभा के पटल पर 20 दिसंबर का है, वो पटल पर जो जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई है उसको भी एग्जीक्यूट करें किसी तरह से, और वो बहुत ही बोल्ड स्टेप, एक मामूली सा स्टेप है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो वाजपेयी जी के जमाने के अंदर बैठी थी, क्या थी? कई चीजों के ऊपर लिखी है। अब इतना मेरे को नहीं है लेकिन डेट वगैरह मेरे को याद है क्योंकि मैं खुद भी था उसके अंदर, इसलिए मेरे को याद है। वो कश्मीर के लोगों से विशेष तौर पर मेरी अपील है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए, विशेषकर हुर्रियत जो वहाँ पर जो है अलगावादी तत्व के रूप में मशहूर है उसके तौर, उसके बहकावे में किसी भी कीमत पे नहीं आए और अपने इस जम्मू एंड कश्मीर राज्य को जो विशेष दर्जा दिया गया है उसको जो है अपने तरक्की के रास्ते के ऊपर लाने के लिए अपने कश्मीर वासियों का सहयोग करें। आपको लगता है जो जिस तरह से मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है
कश्मीर में जो है भारत से अब जुड़ गया है और ज्यादा नजदीक जुड़ा है, तो वहाँ पर और ज्यादा विकास डेवलपमेंट की संभावनाएं खुलेंगी, बहुत ज्यादा खुलेंगी, बहुत ही ज्यादा खुलेंगी, और वहाँ पर तरक्की होगी और वहाँ के रहने वालों को जो है रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सबसे बड़ी चीज शिक्षा है वहाँ पर, जो शिक्षाओं के रास्ते खुलेंगे नौजवानों के लिए, नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए, वो विशेष रूप से तारीफ की बात है। लेकिन वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही है, पीडीपी है, जैसे दूसरी पार्टियां हैं, उनका काला अध्याय बता रही है, वो काला अध्याय तो उनके स्वयं के लिए है, क्योंकि उनके सबके स्वार्थ उससे जुड़े हुए हैं, अगर ये स्वार्थ जुड़े नहीं होते तो ये हल बहुत पहले हो चुका होता। ये तो गर्व की बात है, ये देश के लिए न सिर्फ गर्व की बात है बल्कि जो पॉलिटिकल विल होती है ये मौजूदा गवर्नमेंट ने, मौजूदा सरकार ने जो दिखाई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज तक सरकारों ने क्यों नहीं दिखाई है पॉलिटिकल विल? कश्मीर का मसला जिसको ये इंटरनेशनल लेकर के हमारे दुश्मन देश वगैरह जो हैं वो लाते हैं, वो अब खत्म हो गया। सबसे बड़ा मसला तो वो है, हमारे देश के हित के अंदर तो है ही कि हम अभिनंग बन गया, ले पहले भी था आज भी है, लेकिन इसको टारगेट करके जो शत्रु देश अपनी स्वार्थ सिद्धि के अंदर लगे हुए थे वो खत्म हो गया उनका स्वार्थ। अब तो सिर्फ ये रह गया कि अब तो पीओके की बात करनी है हमें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और कुछ नहीं, बाकी सारी चीज हल हो गई। आप सब लोग आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप बोलिए। ये भारत सरकार ने, चलो ये पीएम नरेंद्र मोदी ने कर लिया, लेकिन ये आप कह रहे हैं कि पिछले 70 साल से मामला अटका हुआ है, तो कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकल सुलझाने के लिए कुछ नहीं किया? भाई राजनीतिक स्वार्थ हर पार्टियों के अंदर होते हैं, कश्मीर के अंदर जितनी पार्टियां एग्जिस्ट कर रही हैं उन सबके स्वार्थ है, भारत सरकार के अंदर जितनी पार्टियां हैं पॉलिटिकल हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हर यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उन्होंने सबसे पहले ये मसला उठाया था, अगर तो ये मसला उसी वक्त हो जाना चाहिए था। तो आपको लग रहा है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो राष्ट्रवादी सोच से परे हटके बोल रहे हैं? वो परे हटके भी बोल रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं, सबसे बड़ा मसला स्वार्थ सिद्धि है, देश हित जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए था, वो अपना स्वार्थ सर्वोपरि रख रहे हैं। देश के ऐतिहासिक फैसला हुआ है आज भारत के अंदर कि हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने जो आज देश के लिए जो फैसला लिया, ऐतिहासिक जीत है। आज जो 370 धारा हटाई गई है, राष्ट्रपति शासन किया गया, अब ये बड़े गर्व की बात है देश के लिए, और ये ऐतिहासिक फैसला है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री को 35 धारा हटाने के, 370 और राष्ट्रपति शासन करने में, ये देश की गंदी, ये कचरा वटरा, ये सब साफ हुई गंदगी राजनीतिक कश्मीर की, जो पत्थरबाजी करते रहते थे अपने देश के लिए, अमरनाथ पर जो यात्री जाते थे उनके ऊपर पत्थरबाजी करते थे, हिंदू लोगों की तरह परेशान करते थे ये लोग, आज हम खुश हैं और आज हम यही चाहते हैं कि ये 370 धारा हटी रहे हमेशा परमानेंट, और आज ऐतिहासिक जीत पर हम सर पूरे शहरवासी, भारतवासी और आगरा गेट के क्षेत्र के पूरे व्यापारी आज खुश हैं। श्वेत तंबोली, बहुत ही अच्छा खुशी महसूस हो रही है कि शायद पहली बार ही कोई सरकार ने ऐसा बड़ा निर्णय लिया है जो देश हित में लिया गया, जिसकी देश को, देश की जनता को काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतजार था, जो डर का भय का माहौल व्याप्त था कश्मीर के अंदर वो शायद अब नहीं होगा, और जो लोगों के सपने हैं कि हम कश्मीर में रहें, जाके वहाँ की वादियों को महसूस कर सके, दिल से बहुत दिल से खुशी हो रही है कि सरकार का जो कदम उठाया गया बहुत ही बढ़िया है। संदीप तावर।